फ्रीडम स्ट्रगल में भी तमिल लोगों का योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा है। आजादी के बाद देश के नवनिर्माण में भी तमिलनाडु के लोगों की प्रतिभा ने देश को नई ऊंचाई दी है। सी राजगोपालाचारी और उनकी फिलॉसफी के बिना क्या आधुनिक भारत की बात पूरी हो सकती है? के कामराज और सोशल वेलफेयर से जुड़े उनके काम, उसको हम आज भी याद करते हैं। ऐसा कौन सा युवा होगा जो डॉक्टर कलाम से प्रेरित न हुआ हो? मेडिसिन, लॉ और एकेडमिक्स के क्षेत्र में तमिल लोगों का योगदान अतुलनीय है। मैं मन की बात में भी अक्सर तमिलनाडु के लोगों के कितने ही योगदानों की चर्चा कर चुका हूं। साथियों, भारत दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। इसके पीछे अनेक हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हैं, अनेक अकाट्य साक्ष्य है। इनमें से एक अहम रेफरेंस तमिलनाडु का भी है। तमिलनाडु में उत्तीर मेरुर नाम की जगह बहुत विशेष है। यहां 1100 से 1200 साल पहले के एक शिलालेख के उसमें भारत के डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। यहां जो शिलालेख मिला है वो उस समय वहां की ग्राम सभा के लिए एक स्थानीय संविधान की तरह है। इसमें बताया गया है कि असेंबली कैसे चलनी चाहिए, सदस्यों का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सदस्यों को चुनने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। इतना ही नहीं, उस युग में भी उन्होंने तय किया है कि डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है।